दोस्तों, कुत्ते इंसान के सबसे वफादार साथी होते हैं, इसलिए अधिकांश लोग घरों में कुत्ते पालना पसंद करते हैं। दोस्तों, कुत्तों की अनेक नस्लें पाई जाती हैं, जिसमें से कई नस्लें बहुत ही खतरनाक होती हैं, इतनी खतरनाक कि वो पल भर में किसी की भी जान ले सकते हैं। दोस्तों, आज हम आपको कुछ कुत्तों की प्रजातियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो खतरा महसूस होने पर पल भर में किसी की भी जान ले सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। पिटबुल। पिटबुल प्रजाति के कुत्ते सबसे खतरनाक और आक्रामक नस्ल के होते हैं। दुनिया भर में कई देशों ने इन कुत्तों को पालने पर प्रतिबंध लगा दिया है, हालांकि अमेरिका सहित कई अन्य देश में पिटबुल को आज भी पाला जाता है। दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं रोटवेलर की। रोटवेलर प्रजाति कुत्ते शक्तिशाली होने के साथ साथ बहुत ही तेजी से किसी को काटने में माहिर होते हैं। दोस्तों, साल 2014 में अमेरिका में रोटवेलर के काटने से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। वही 1993 से 1996 के बीच अमेरिका में कुत्ते के काटने के कारण कई लोगों की मौत हुई है। दोस्तों, यह कुत्ता 148 किलो के दबाव से किसी को काटता है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों जर्मन शेफर्ड की। दोस्तों, पुलिसिया कुत्तों के रूप में पहचान बना चुका जर्मन शेफर्ड दुनिया के 10 सबसे खतरनाक कुत्तों में से एक है। दोस्तों, 108 किलो की न्यूटन की शक्ति से किसी पर भी हमला कर सकता है, जिसके बाद बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं डाबरमैन पिंस्टर की। दोस्तों, डाबरमैन पिंस्टर प्रजाति के कुत्ते भी पुलिसिया डॉग होते हैं, लेकिन आम लोग भी इसे घरों में पालने लगे हैं। यह खतरनाक कुत्ता अजनबी लोगों को देखते ही आक्रमण कर देता है, लेकिन अक्सर मालिकों को देखते ही शांत हो जाता है। इसके काटने से साल 2011 में एक महिला की मौत हो गई थी। दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं बुल मास्टिफ की। दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं बुल मास्टिफ। इस प्रजाति के कुत्ते का वजन लगभग 55 से 60 किलो के बीच में होता है। साल 2014 में अमेरिका के न्यू जर्सी में इसके काटने से 13 साल के बच्चे की मौत हो गई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।